बंदियों का घर है, बेटी का ससुराल है, और रिश्तों में कभी कभी दूरी रखना अच्छी बात होती है। मैं थोड़ा डाइट को लेकर कॉन्शियस हूँ। वैसे मेरी बेटी खा रही है। होने वाली बहू है ऐसी, बस कुछ ही दिनों में तो यही रहना है, यही खाना है। मुझे तो मैं टच भी नहीं करती। वैसे मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे हेल्थ और फिटनेस को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और यस मॉम, वैसे तो मैं रूटीन से ही खाती हूँ, लेकिन आज पूजा है इसलिए थोड़ा। और अशिनिया वैलेंटाइन डे भी तो है। फिर भी आज मुसीबत बन गई वो लड़की हमारे लिए। अब ये हमारी ड्यूटी की उस पर ध्यान रखी, वो कहाँ है, क्या कर रही है। वैसे अनिरुद्ध ठीक है, मैंने भी पहले उसे पूछताछ किया। वो लड़की बहुत चला, लेकिन दोनों बात जब तक मैं यहाँ उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो भी गलत कदम उठा। आंटी हिम्मत की बात नहीं, एक्चुअली इतनी जल्दी चांस नहीं ले रहा था। पिछली बार की तरह इस बार उसे स्लीपिंग टेस्ट ले लिया ना, तो हमारे अगेंस्ट पुलिस केस बन जाएगा। कहाँ जा रहे हो? एटलीस्ट खाना तो खा सकते हो। भूख नहीं, हमारे समधी समधन आए हुए हैं, सबसे उतना लिहाज तो रखिए। बैठिए प्लीज। पूजा के बाद हम सब एक साथ मिलके बैठ के जो पूजा का जो भोग होता है, खिचड़ी, वो बनी है, वो खा रहे हैं एंड सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड उसी में क्योंकि अनिरुद्ध को अब झनक से काइंड ऑफ नफरत है, तो वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता एंड वो चाहता है कि वो अब यहाँ पे जितने दिन है काम करे एंड उसको उसका एक्स्ट्रा पैसे मिले एंड फिर जब सही मौका है तो उसे घर से निकाल दें। तो ये सारे डिस्कशन डिस्कस कर रहे हैं हम सब एंड ऐसा कुछ खास ड्रामा नहीं हो रहा, बस ये है कि छोटौन अनिरुद्ध से थोड़ा गुस्सा है बिकॉज अनिरुद्ध ने जैसा बिहेव किया जनक के साथ वो छोटौन को सही नहीं लगा, तो यही है वहाँ। राइट, वैलेंटाइंस की बात भी आई जिसमें बेपाशा बोधी ने कहा कि वैलेंटाइंस में कोई गेम खेलेंगे हम सब मिलके, क्या गेम वो तो बाद में और डिटेल में पता चलेगा। एंड अनिरुद्ध ने प्लान किया हुआ है कुछ लेकिन वो सरप्राइज़ है और ऑनेस्टली अभी मुझे खुद नहीं पता है कि क्या सरप्राइज़ प्लान किया है, वो जब लिख के आएगा देन डेफिनेटली वो डिस्कस करेंगे हम सब, बट कुछ तो है एंड वहाँ पे भी शायद कोई ड्रामा हो क्योंकि जनक भी रहेगी वहाँ पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है डेफिनेटली। नो आइडिया, ये तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि वी शुड जस्ट विटनेस व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो अभी नफरत करता है बिकॉज सिचुएशन छोटौन को पता है बट अनिरुद्ध को नहीं पता है कि उसने जो भी किया, क्यों किया, एक्सीडेंट क्यों हुआ, वो तो ब्लेम जनक को ही करेगा, इसीलिए वो नफरत करता है उससे, वो चाहता है कि वो चली जाए अपने घर। ये थैंक यू।